तो सबसे पहले देखिए डेटा में हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमें अलग करना है, बट मेरे डेटा में आपका दो नाम भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी है, फर्स्ट मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, तो इसमें से मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। तो फर्स्ट नेम के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट नेम तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा इजीली, क्या ये तो आगे। तो मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और लेफ्ट से मैंने बोला कि 9 डिजिट अलग करो, 9 माइनस 1 और 9 से एक कम अलग करो, क्योंकि फाइंड का जो फॉर्मूला था उसने बताया कि राजेंद्र कुमार में जो स्पेस है वो स्पेस का पोजीशन क्या है, राजेंद्र कुमार में जो स्पेस है उस स्पेस का पोजीशन क्या है हमें पता चल गया, राइट क्लियर है विदाउट इसमें? नहीं इसमें तो नहीं। चलो अब अगला इसमें जो है कि हमें लास्ट नेम निकालना है, तो देखिए लास्ट नेम के लिए हमें दो फॉर्मूला लगाना होगा। पहला फॉर्मूला जब हमारे पास दो नेम होगा, तो दो नेम होगा उसके लिए सिंपल से हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें से हम बोलेंगे कि इसकी कंप्लीट लेंथ, जो लेंथ है इसकी कंप्लीट, उस लेंथ में से माइनस करो किसको, 9 को, फाइंड को आ गया राजेंद्र कुमार। लेकिन अगर तीन नेम होगा तो हमें एक और फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो एक और फॉर्मूला से पहले मुझे पता करना होगा कि हम मेरे पास अगर सेकेंड स्पेस हुआ, जैसे यहाँ पे सिंह हमने कर दिया, तो सेकेंड स्पेस जो कुमार के बाद का जो स्पेस है इसका काउंट कैसे पता चलेगा, तो उसका काउंट आपको फाइंड से ही पता चलेगा। बस फाइंड में आपको क्या करना है, तो लास्ट में जो हम मैनुअली वन लिखते हैं यहाँ पे वन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो पहला स्पेस का जो हमारा रिजल्ट आया है जो फाइंड ने दिया है जिसमें हमने मैनुअली वन लगाया था उसके रिजल्ट में प्लस वन कर देना है। तो ये स्टेंस नंबर जो होता है फाइंड में, स्टार्ट नंबर जो होता है वो क्या बताता है कि फाइंडिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, फाइंडिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, राइट क्लियर है? इसने बता दिया 15। अब मुझे यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाना है और बोलना है कि इसकी कंप्लीट लेंथ में से, सॉरी कंप्लीट लेंथ है ना, कंप्लीट लेंथ में से माइनस सेकेंड स्पेस की, समझे सिंगल, राइट। अब प्रॉब्लम है कि दो अलग अलग फॉर्मूले हैं मेरे पास, कि अगर सिर्फ फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा तो ये बाकी दो फॉर्मूला एरर देगा, रिजल्ट आपका ये फॉर्मूला देगा, क्लियर है? अब फर्स्ट नेम नहीं लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम दो नेम नहीं तीन नेम होगा तो आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा, मतलब कि आपको दो नेम पे ये जो फॉर्मूला है एरर देंगे और तीन नेम पे आपको रिजल्ट देंगे, क्लियर है सर? तो हमने इस एरर फॉर्मूले बताया कि जब हमारा सेकेंड फॉर्मूला अगर एरर दे तो फर्स्ट फॉर्मूला को चला, तो सेकेंड फॉर्मूला रिजल्ट दिया तो रिजल्ट दिया आ गया, लेकिन जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा ये एरर दिया, ये एरर दिया तो इस एरर ने फर्स्ट वाले फॉर्मूला को रन कर दिया। अब इसको एक सेल पे लिखना है तो आपको मैंने कॉपी पेस्ट वाला मर्ज वाला पार्ट तो समझाया ही था, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ B13 में हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी B3 है उस पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी हमारा B3 है उसमें पेस्ट कर देते हैं। फिर वापस इस फॉर्मूले को उठाता हूँ, ये C3 है तो यहाँ ऊपर C3 हमारे पास है, इस C3 में हम पेस्ट कर, C3 में पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब ये दो फॉर्मूला को डिलीट कर सकते हैं, फिर हमने इस वाले फॉर्मूला को उठाया, ये D2 के जगह पे मैं इसको दे देते हैं और यहाँ हमारा C2 है तो C2 के जगह पे हम C2 का फॉर्मूला दे देते हैं और फिर इसको डिलीट करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है।
तो जो YouTube हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा या कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह की ट्रिकी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें जहाँ आपको सारे सीक्वेंस वीडियो मिलेंगे। मोबाइल ऐप का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।